हे गाइस, क्या हाल चाल है आपकी? आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। एंड होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का रूम, जो कि मतलब नया रूम बन गया आजकल मेरे लिए, क्योंकि आजकल जो शेफ है मतलब भाई हैं वो घर गए हैं, जिस काम फिर यहाँ पर मेरे को रहना पड़ता है, दिन में रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर है, फिर वो उठना पड़ेगा ऑर्डर लगाने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह का रूम है, किस तरह का क्या है, पूरा ट्यूटोरियल दूंगा भाई के रूम का एंड मतलब अपने रूम का है, अपने होटल का रूम है। तो बाहर का अंदर का क्या सीन है, क्या सीन का नहीं है, कितना बेड है, क्या है, कौन सा होता है, वो आपको आज मैं बताऊँगा। चलो इस वीडियो करते हैं यहीं पर स्टार्ट। वो सुबह शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये एक बाहर का जाने का गेट है और इसके साथ में खिड़कियाँ है एंड यहाँ पे एक चेयर लगी है कुछ किसी को बैठने के लिए। यहाँ पे हमारे विकास सर जी का बेड, जो कि माउंटेना ब्लू के मैनेजर हैं, उनका है। यहाँ पे सोते हैं रजत भाई अपने एंड सैफ साहब एंड एक बंदा सोता है यहाँ पे, तीन बंदे सोते हैं यहाँ पे बेस्ट चीख एंड तीन में तो हम दो ही सोते हैं, मैं और रजत भाई, बाकी तो यहाँ पे कोई नहीं सोता है क्योंकि एक बंदा स्टेट ड्यूटी वाला है एंड एक बंदा घर गया अभी, जिस कारण यहाँ पे तीन बंदे सोते हैं मैक्सिमम। आजकल मैं ही सोता हूँ यहाँ पे एंड एक सोता है रजत भाई, ठीक है। एक बंदा आ गया वो सोएगा रात को यहाँ पे, दिन में सोऊंगा मैं उसकी जगह पे, ठीक है। ये बेड उस चीज़ है एंड यहाँ पे देखिए ये है सब कुछ रखने के लिए एंड यहाँ पे है कुछ अलमारी इस तरह की, यहाँ पे ऐसे थोड़ा रखा हुआ स्मार्ट फोन, डीजे पेटी एंड यहाँ पे लगा मिरर, जिस पे आपको देख सकते हैं कैसी बॉडी है, हालत क्या है। आजकल मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया था, बहुत ज़्यादा अकेला है तो इसलिए काम नहीं करता हूँ मैं कुछ भी, मतलब वर्कआउट नहीं करता हूँ। एंड यहाँ पे देखो बाहर जाने का गेट है, ये इंडोर गेट है, ये आउटडोर गेट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम है हमारा, थोड़ा गंदा हुआ आजकल, थोड़ा नीचे कोई कौन गया ड्राइव डूब गया ना कोई, तो देखो यहाँ पे एक सीट लगी है वॉशरूम जाने के लिए, वॉश बेसिन है, यहाँ पे मिरर लगा है, यहाँ पे खिड़की है थोड़ी बहुत हवा या फिर हवा वगैरह जाने के अंदर के लिए एंड यहाँ पे कुछ इस तरह का देखो वॉशरूम बनाया है। ये लॉबी तो आपने मेरे ब्लॉग में पहले देखी होगी, यहाँ पे है लॉबी मतलब गैलरी बाहर की, जहाँ से आप बाहर इतना प्यारा व्यू देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू देखो, आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को। और यहाँ पर देखो सूजू के ऊपर डाल गए हैं ये वाले जूते मेरे हैं, ये रजत भाई गुणे, ये बदन किसके हैं, ये बन विकास सर गुणे, ये बन किसके हैं, ये भी रजत भाई गुणे परे वाले, यहाँ डिलीवर किसकी है, तौलिया हमने किसका किसका मैंने क्या क्या है, किसका है, कौन कौन सोता है, आई डोंट नो, बट आजकल धीरे में मैं सोता हूँ बस, इन नंबर को बताया। यहाँ देखो भाई क्या नज़ारा है वो देखो भाई। एंड इस फोन की खासियत है मतलब इस पर फ्लैश लाइट चलती है, फ्रंट वाले भी बैक वाले भी, बट जब आपके फ़ोन में 15% से कम चार्जिंग हो तो फ्लैश लाइट नहीं चलती है, वो बहुत नुकसानदायक बात है। आपके फ़ोन में चलती है, नहीं चलती मेरे को नहीं पता, बट इसमें नहीं चलती है 15% के बाद, अगर फुल हो चार्जिंग या फिर 15 से 20 25 30% हो तब फ्लैश लाइट चलती है, तब यह चलती है। जैसे आप अंधेरे में होगी आपको मतलब लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रंट से भी बैक से। यहाँ पर कितना दे रहा है देखो, कितना अच्छा मतलब क्वालिटी दे रहा है, बस चल जल्दी अपनी ब्रेक गेन करना, थोड़ा वेट गेन करना है, तो उसको 10 से 12 के ब्रेक मेरे को गेन करना है और फिर देखते हैं इस कंडीशन में बाद में आपको भाई वेट गेन करना पड़ेगा। एंड चलो बाद में मिलते हैं आपसे, दिखा दिया फोटो पूरा सीन किस तरह का, बट अल्टीमेट रूम में पड़ा थोड़ा स्पाई के लिए बंदे चाहिए, कुछ बंदे स्पाइन करते हैं, कुछ बंदे बहुत करते हैं, रेस्ट भाई बिल्कुल स्पाई कर रहा है। यहाँ पे लाइट मैंने बंद करती, पूरे रूम की लाइट बंद है, देखो अभी देखो फ्लैश लाइट चली है फोन की, तो कितना अच्छी क्लैरिटी आ रही है। और ये फ्रंट वाली फ्लैश लाइट है, जब बैक वाली चलेगी तो बहुत ज़्यादा ही भी मतलब क्लैरिटी करती है। एंड चलो मिलते हैं आपसे आगे।
तो कुछ ये रहा हमारा रूम का वीडियो एंड मेरे ने मतलब भाई के रूम का वीडियो। तो सोच रहा था कि आपको दिखाऊं दिखाऊं दिखाऊं, बट मैं सोच रहा कि क्या दिखाऊं नहीं दिखाऊं, तो आपको दिखा दिया मैंने बढ़िया सा ट्यूटोरियल रूम का। एंड कुछ इस तरह का है स्टाफ रूम, मतलब मैक्सिमम गेस्ट रूम स्टाफ रूम टोटल इस तरह का ही है। बाकी हमारे तो रूम कुछ छोटा के हैं जहाँ हम रहते हैं, बट ये होटल के अंदर ही रूम है। तो पहले तो ये रूम लगते थे, बट थोड़े आप पुराने होने की वजह से इनको स्टाफ को दे दिए, क्योंकि ये पूरे रूम लगते भी नहीं है, जिस कारण फिर आधे रूम स्टाफ को दे दिए। नीचे तीन चार रूम स्टाफ को दिए नीचे, और ऊपर वाले दिए हैं जो बढ़िया वाले टॉप फ्लोर वाले हैं, क्योंकि नीचे मतलब फर्स्ट फ्लोर में रूम है ना, उसको थोड़ा रेट भी कम होता है और गेस्ट भी मतलब नीचे वाला व्यू अच्छा नहीं होता, जिस कारण गेस्ट लेना पसंद नहीं करते उस चीज़ को, तो जिस कारण भी स्टाफ को दे दिए हैं। बाकी चलो इस तरह खराब रहा उस ब्लॉग, एंड होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा, इसलिए लाइक इतना शेयर उसका करें। चलिए मित्र नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, बाय बाय।